आरी विभाग में बम्पर वैकेंसी की सूचना है। सो हाय गाइस, मैं हूं कुश फ्रॉम defensejobs.in और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिफेंसली। तो चलिए जल्दी से उन लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानते हैं जिसकी आवेदन की अंतिम तिथि बहुत ही नज़दीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली वैकेंसी है आर्मी CME पुणे रिक्रूटमेंट 2023। इसकी आवेदन की डेट की बात करें तो आप 4 फरवरी से 4 मार्च 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी 1 रुपया नहीं रखा गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन फ़ी की वजह से फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते, उनके लिए सुनहरा मौका है। आप इस फॉर्म को आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। टोटल 119 रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास और ITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या फिर 12th पास हो तो और साथ में ITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए। चलिए सेकेंड वैकेंसी है SGPGI संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस लखनऊ स्टाफ नर्स भर्ती 2023। इसकी आवेदन की तिथि की बात करें तो 10 फरवरी 2023 से ये फॉर्म स्टार्ट की गई है। लास्ट डेट के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। चलिए इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 1180 रुपया और SC ST कैंडिडेट के लिए 708 रुपया रखा गया है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी एज 21 से 40 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। टोटल 1974 रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगी गई है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप BSc नर्सिंग किए हों, GNM किए हों, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की डिग्री आपके पास हो विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, मिनिमम 50 बेड वाले हॉस्पिटल में आपकी 2 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है होमगार्ड झारखंड होमगार्ड भर्ती 2023। इस फॉर्म को फिल करने के लिए टोटल 100 रुपया चार्ज रखा गया है। इस फॉर्म को आप 21 फरवरी से 17 मार्च 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी उम्र 19 से 40 वर्ष होनी चाहिए। टोटल 1478 रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगी गई है। इस फॉर्म की सबसे अच्छी एलिजिबिलिटी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यदि आप 7वीं पास या फिर 10वीं पास भी हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट defensejobs.in पर ज़रूर विजिट करें। नेक्स्ट वैकेंसी है इंडियन नेवी की तरफ से इंडियन नेवी ट्रेड्समैन स्किल्ड रिक्रूटमेंट 2023। यदि आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो 7 फरवरी से 6 मार्च 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन फ़ी की बात करें तो 205 रुपया है। सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए नहीं, बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग फीस रखी गई है। तो पूरी डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट defensejobs.in पर ज़रूर विजिट करें। इसकी एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। इसके टोटल 248 रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगी गई है। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 10th पास की डिग्री हो प्लस ITI सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। बिकॉज ये ट्रेड्समैन स्किल्ड की रिक्रूटमेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। पंजाब पुलिस की तरफ से ये वैकेंसी है पंजाब पुलिस सर्व इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2023, पंजाब पुलिस SI रिक्रूटमेंट 2023। यदि आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो 28 फरवरी 2023 से इसकी लास्ट डेट है। 28 फरवरी 2023 से पहले इस फॉर्म को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारी वेबसाइट defensejobs.in पर विजिट करके आप वहां से भी सभी फॉर्म बारे में पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। इस फॉर्म की एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 1600 रुपया है। जनरल OBC EWS के लिए अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए अलग अलग फ़ीस रखी गई है। तो पूरी डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट defensejobs.in पर तुरंत विजिट करें। इस फॉर्म को यदि आप फिल करना चाहिए तो आपकी एज 18 साल होनी चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम 22 ईयर्स होनी चाहिए। ओके, इस फॉर्म में टोटल 288 रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगी गई है। इसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट पास, किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट पास हों, ओके, ग्रेजुएट किए हुए हों। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी है पटना हाई कोर्ट की तरफ से
पटना हाई कोर्ट में पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है, असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023। यह फॉर्म्स 6 फरवरी 2023 से 7 मार्च 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई की जाएगी, तो 7 मार्च 2023 से पहले आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन फी की बात करें तो इस फॉर्म के बारे में अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग आवेदन फी है, तो आप पूरी डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट defencejobs.in पर तुरंत विजिट करें। इसकी यदि आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 37 साल होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टोटल 550 रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगी गई है। इसकी एलिजिबिलिटी, यदि आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास हों, ग्रेजुएट किए हुए हों, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी है AOC, आर्मी ऑर्नेस कॉप्स ट्रेड्समैन एंड फायरमैन की रिक्रूटमेंट आई हुई है आर्मी के लिए, ठीक है। इस फॉर्म को यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 6 फरवरी 2023 से 26 फरवरी 2023 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि बहुत ही नज़दीक है, तो तुरंत हमारी वेबसाइट defencejobs.in पर विजिट करें और इस फॉर्म को अप्लाई करें। अप्लीकेशन फ़ी 1 रुपया नहीं है, तो जो भी कैंडिडेट अप्लीकेशन फ़ी की वजह से फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है, इस फॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एज लिमिट की बात करें तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए, ओके। टोटल 1793 रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगी गई है। एलिजिबिलिटी 10th पास कैंडिडेट आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी कुछ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब जिसकी आवेदन की अंतिम तिथि बहुत ही नज़दीक है। आई होप इस वीडियो से देखकर आपको जानकारी हुई होगी, आपके लिए यह वीडियो सहायक हुआ होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें वो किसी भी फॉर्म को मिस ना कर पाए और जॉब्स अप्लाई कर पाए जल्दी से जल्दी, आवेदन की अंतिम तिथि से पहले। और पूरी डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट defencejobs.in पर तुरंत विजिट करें, वहाँ पर सभी जॉब्स के बारे में डिटेल दिया गया है और अप्लीकेशन लिंक, अप्लाई लिंक भी दिया गया है, अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर से ही अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।